यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, मतलब आप देख सकते हैं 1665.95 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था और 1668 रुपये पर मेरी एंट्री पॉइंट थी, जहाँ से मैंने अपनी एंट्री ली है, जहाँ से मैंने इसको बाय किया है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा टारगेट अचीव हुआ है वो 1672.10 के रुपए पर हम मेरा जो टारगेट है वो अचीव हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं मेरे को मेरा टारगेट अचीव हो गया है और मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है और ये मेरा पहला ट्रेड है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको HDFC बैंक शेयर के बारे में लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों ये मेरा आज का पहला ट्रेड है, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये आज का मेरा पहला ट्रेड है जो मुझे प्रॉफिट में ही मिला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो HDFC बैंक का जो शेयर है, आप देख सकते हो ये कैंडलस्टिक चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये मूव कर रहा था। जैसे कि मैंने इसमें ध्यान दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये निकला है, दूसरा पॉइंट ये निकला है, तीसरा पॉइंट यहां पे निकला है, तो चार पॉइंट मैंने यहां पे कनेक्ट किए। मैंने एक ट्रेंड लाइन यहां पे खींची, फिर एक ट्रेंड लाइन मैंने नीचे भी खींची, यहां पे भी मेरे को एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट मिला। फिर आपको पता ही है दोस्तों कि तीन पॉइंट के बाद सीधा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पे नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक डिमांड जोन मेरे को यहां पे मिला, ठीक है, यहां पे मेरे को डिमांड जोन मिला और ऊपर मेरे को यहां पे सप्लाई जोन मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे ट्रेड लिया है, आप उसको पूरा देखिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे ही जैसे जैसे कि मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची तो ट्रेंड लाइन को इसने ऊपर की ओर ब्रेक किया, आप देख सकते हैं, आप इस वाली कैंडल पर ध्यान दीजिए, इस वाली कैंडल ने अपनी प्रीवियस सभी कैंडल्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हमारा यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ब्रेकआउट हो गया, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया हुआ था 1695.95 रुपये पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने जो एंट्री पॉइंट रखा है वो रखा है 1668 रुपये, ठीक है। तो 1668 रुपये का मैंने एंट्री पॉइंट रखा था, मतलब यहाँ से मैंने अपनी एंट्री ली थी, यहाँ से मैंने अपना बाय किया था शेयर और मैंने 2:1 का मैंने टारगेट लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे आप इसमें बीच में देख सकते हैं आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पे ये यह देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब है 2:1 का मुझे टारगेट लेना है, ठीक इसका डबल, ये इसका, ये जो ये है ना ऊपर से नीचे, ये इसका पूरा डबल है, ठीक है। और मेरा जो टारगेट मैंने सेट किया था वो मैंने सेट किया था 1672.10 रुपीज़ का, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये प्राइस ऐसे चलते 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 फिर ये ऐसे ऊपर ऊपर और ये टारगेट को भी पार कर गई, यानी मुझे मेरा टारगेट मिल गया, मुझे मेरा टारगेट यहाँ पे मिल गया और ये 4 रुपये का, मतलब 4 पॉइंट का मुझे यहाँ पे टारगेट मिला है। क्योंकि दोस्तों लगभग लगभग 1668 से लेके 1672 रुपये का हम 4 रुपये का पॉइंट हम पकड़ेंगे, तो दोस्तों इतना मेरे को 4 पॉइंट ऊपर मेरा मेरे को मुझे मिल गया और मेरे यहाँ पे 100 शेयर थे, ठीक है, 100 शेयर मैंने यहाँ पे खरीदे थे। और अच्छा इसमें एक चीज और है कि एक्सीडेंटली मुझसे जो शेयर है ये 1671 पर बिक गया था एक्सीडेंटली, ठीक है, जिससे मुझे 1 पॉइंट कम मिला, बट फिर भी मैं प्रॉफिट में ही रहा, मतलब 3.5 रुपये से ऊपर में ही मैं प्रॉफिट में रहा था। और मैं आपको अभी मैं आपको उसका पूरा जो है पूरा पूरा इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप HDFC बैंक मैंने मार्केट प्राइस पे खरीदा था 100 क्वांटिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1667.95 के रेट पे मेरे को जो है HDFC बैंक का शेयर मिला था मार्केट प्राइस पे, सो यहाँ पे क्वांटिटी है आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2023 पांचवा महीना है और 12 तारीख है, ठीक है, 12 मई, ठीक है, 12 तारीख है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक 2 बजे लगभग, 1 बज के मतलब 2 बजे मान के चलो, ये 13:59 मतलब ये लगभग 14 इसको मान के चलो, तो 14 का मतलब है 2 बजे, ठीक है, 2 बजे मैंने ये जो है इसको खरीदा है, ठीक है दोस्तों, 2 बजे मैंने इसको खरीदा और आप देख सकते हैं 14:25 यानी कि लगभग लगभग 25 मिनट में ही मैंने इसको सेल कर दिया, आप आधा घंटा मान के चलो, मैंने आधे घंटे में ही इसको सेल कर दिया और ये एक्सीडेंटली सेल हुआ था, इसीलिए ये 1671 पे सेल हुआ, वरना ये 1672 पर सेल होता,
ठीक है, 5 मिनट के बाद ये 1672 पे सेल हो जाता, बट कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पे जो है 3 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, यानी कि मतलब मेरे पास 100 शेयर थे, तो 100 को आप 3 से इंटू करोगे तो 100 या 300, यानी कि 300 रुपये का प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे हो गया। लेकिन मुझे मेरा जो टारगेट अचीव हुआ है वो 4 पॉइंट का हुआ है, जो कि मैंने 4 पॉइंट का ही सेट किया हुआ था। यहाँ पे 2:1 का रेशियो, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को 4 पॉइंट के यहाँ पे मिला है, तो उस हिसाब से 400 का प्रॉफिट जो है हम गिनेंगे। भले ही 300 का हुआ है कोई दिक्कत नहीं, बट 400 रुपये का मेरे को टारगेट पूरा मिल गया, मतलब मुझे मेरा टारगेट अचीव हो गया, और जबकि ये टारगेट से भी ऊपर गया था। आप देख सकते हैं इसकी विक कितनी लंबी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया था, यानी कि ये लगभग लगभग ऊपर, मतलब 1663 63 तक तो नहीं गया, ये थोड़ा सा नीचे, मतलब 1672.80, तो 1 पॉइंट और ऊपर मान करके चलो, ठीक है। तो ये मतलब मुझे मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, और एक्सीडेंटली मेरे को ये यहाँ पे सेल करना पड़ा, 1671 पे सेल करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस फिर जो है नीचे रिवर्स भी हो गई, आप देख सकते हैं प्राइस नीचे नीचे जो है रिवर्स हो गई, और ये यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन था, यानी कि यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर्स थे, मतलब यहाँ पे सेलर हावी थे, यहाँ पे सेलर हावी थे पहले, मतलब रेजिस्ट करके आ रही है ये प्राइस, तो सेलर हावी थे, तो अभी जो है अभी भी यहाँ पे जो जो बायर थे वो डर गए, उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम खरीदेंगे तो हमारी प्राइस नीचे ना आ जाए, तो डर के मारे उन्होंने नहीं खरीदा। तो सेलर्स ऑलरेडी हावी थे, तो सेलर्स जो है प्राइस को नीचे लेकर के आ गए, इसीलिए प्राइस जो है यहाँ से नीचे यहाँ तक गिर गई। अभी यहीं तक ही गिरी, और नीचे क्यों नहीं गिरी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी, क्यों नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड जोन यहाँ पे मौजूद था। आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्राइस है वो सपोर्ट लेकर के आ रही है, यहां से प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर के आ रही है, तो आप देख सकते हैं अगर ये गिरता तो यहां तक ही गिरता, यहां से इसको पार नहीं करता, ठीक है, मतलब इतनी जल्दी पार भी नहीं करता, उसको भी पार करने में टाइम लगता, और ये जो ऊपर जाता तो भी इतनी जल्दी नहीं जाता, इसको भी पार करने में टाइम लगता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो फिलहाल मुझे आपको बताना था कि भाई ये मेरा पहला ट्रेड था जो सक्सेसफुली हिट हुआ, और मुझे मेरा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ HDFC बैंक शेयर के बारे में, जो मुझे आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया, और ऐसी और भी लेटेस्ट न्यूज़ मैं लाता रहूँगा, और भी ऐसे जो शेयरों पे मैं ट्रेड कर करके आपको दिखाता और बताता रहूँगा, सिखाता भी रहूँगा, और जिससे आपको भी सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।